हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम यूएसए में चल रहे यूएस चैंपियनशिप के 8th राउंड की है। वैसे इस चैंपियनशिप में वेस्ली सो, आई थिंक जब तक मैं वीडियो बना रहा था 9 राउंड हो चुके थे। वेस्ली सो नंबर 1 पर आ चुके थे, काफी डोमिनेट कर रहे थे इस टूर्नामेंट को, पूरा ही टूर्नामेंट को। तो मैंने जो आज की गेम सेलेक्ट की है वो वेस्ली सो की है, 8th राउंड की, जो उन्होंने अलशान मुरादी के साथ खेली थी। वैसे फ्रेंड्स, अलशान आई थिंक ईरानियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यूएसए फिडे को, जो चेस को यूएसए की तरफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यूएस चेस चैंपियनशिप है तो यूएसए के खिलाड़ी खेल रहे थे। खैर, चलते हैं हम सीधा इस गेम की तरफ। गेम की शुरुआत यहाँ अलशान मुरादी, चल पूरा नाम इनका अलशान मुरादियाबादी है। नाइट F3 के साथ यहाँ उन्होंने शुरू किया, नाइट F6 यहाँ वेस्ली सो ने किया, देन C4 इंग्लिश ओपनिंग में गेम कह सकते हैं ट्रांसपोज हो गई है, देन E6, G3, D5, बिशप गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ D4। पॉन आगे पुश किया यहाँ ब्लैक ने, कैसल व्हाइट ने किया, देन हुआ C5, E3, नाइट C6 स्क्वायर पर, E takes D4, C takes D4, और ये दो आई मस्ट से काफी अच्छा पॉन स्ट्रक्चर है, रहने वाला है। D3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन बिशप D6 यहाँ पर ब्लैक ने किया, बिशप G2, H6, और जो भी इस बिशप को फाइनली यहीं डिसाइड करना है कि उसे करना क्या है। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन गया A3, इट्स ओके। A5, देन नाइट एट बी गोज टू D2, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, रुक C1, देन अब कहीं जाकर वैसे सुने यहाँ कैसल किया, रुक E1, देन A4। और फ्रेंड्स, A4, चलिए A4 के बारे में मैं थोड़ा अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। क्वीन C2 यहाँ पहले व्हाइट ने जब किया, देन रुक गया D8 स्क्वायर पर, नाइट E4, और फ्रेंड्स नाइट के E4 स्क्वायर पर आने से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। सबसे पहले तो डार्क स्क्वायर बिशप प्री अटैक है, तो बिशप वापस लिया यहाँ वेस्ली सो ने C7 स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ या C5, और यही वो काम जो इंटरेस्टिंग मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। ये परमानेंट आउटपोस्ट, नॉट एग्जैक्टली परमानेंट, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग आउटपोस्ट यहाँ इस नाइट को D6 स्क्वायर के रूप में मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक पॉन का अभी व्हाइट को लॉस होगा। इट इज टू अर्ली टू जस्ट जंप ओवर टू दैट D6 स्क्वायर, लेकिन बिशप D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। नाइट अटैक गोज टू D2, देन नाइट A5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट के व्हाइट ने जब अपने नाइट को D2 स्क्वायर पर रखा, तो यहाँ ये D6 आउटपोस्ट परमानेंट होने वाली है। वेल, आई थिंक इस पॉइंट पर F4 की ऑप्शन भी कंसिडरेबल थी व्हाइट के लिए, लेकिन नाइट C4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और उनका इरादा इस D6 स्क्वायर को एक परमानेंट ऑक्टोपस नाइट के रूप में क्रिएट करना है, नाइट D3। यहाँ ब्लैक ने भी अपने इस नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट दे दिया, रुक पर अटैक बना हुआ है, रुक मूव किया जा सकता था, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले किया नाइट एटी गोज टू D6, और ऐसा करने के बाद मेरे ख्याल से व्हाइट के पास इनफ कंपनसेशन है। अगर वो यहाँ एक्सचेंज डाउन भी होता है, मतलब एक्सचेंज सेक्रीफाइस डाउन भी जाता है, तो दैट्स ओके। यहाँ व्हाइट के जो नाइट इतना स्ट्रांग होगा, वो उसको काफी देर नहीं लगेगी उस लॉस को रिकवर करने में। नाइट टेक C1, पहले हम वेस्ली सोने की, ओके, रुक टेक C1 एक ऑप्शन में जो कंसिडर करना चाहता हूँ। गेम लगभग कुछ इसी तरह से आगे बढ़ी थी, तो बिशप C6 यहाँ ज्यादा से ज्यादा ब्लैक कर सकता है अपने इस B7 पॉन का डिफेंस करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ व्हाइट पहले करेगा नाइट टेक्स B7, बिशप टेक्स G2 हो गया, देन किंग टेक्स G2, और ये नाइट वापस यहाँ इस D6 स्क्वायर पर आकर बहुत स्ट्रांग लाइफ, बहुत बुरी लाइफ मेरे ख्याल से बना चुका होगा यहाँ पर, यू कैन से ब्लैक की। लेकिन चलिए फ्रेंड्स, वही देखते हैं जो है इस गेम में होता है। यहाँ हुआ था क्वीन टेक्स C1, बिशप गया D6 स्क्वायर पर, C takes D6, नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वीन F8 मूव। फ्रेंड्स, यूजुअली मुझे देखने में ऐसा लगता है कि ये क्वीन F8 स्क्वायर पर ही बेटर वर्क करती, लेकिन क्वीन मेन्यूवर इतना अच्छा हो सकता है यहाँ वेस्ली सो की इस पॉइंट, इस बात को देखकर हम समझ सकते हैं। यहाँ क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर कनेक्शंस, और अगर क्वीन एक्सचेंज होती हैं तो आई मस्ट से ब्लैक थोड़ा बहुत एडवांटेज में रहेगा। मैं यूं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा एडवांटेज में, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांटेज में ब्लैक को पूरी तरह से रहने वाला है। लेकिन यहाँ F4 पहले व्हाइट ने किया, और ऐसा करने के बाद यहाँ वेस्ली को एक बहुत स्ट्रांग गेम प्लान लगाने का मौका मिला। उन्होंने यहाँ क्वीन को C5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस किंग के सामने अपनी क्वीन को प्लेस कर दिया, और बस मैटर ऑफ टाइम है कि वो कब टैक्टिक्स लगा पाए इस पॉन को आगे पुश करने की। बहुत लंबी थियरी है, लेकिन गेम में हुआ कुछ इसी तरह से, और वेस्ली सो ने कितना अच्छा इंप्लीमेंट किया वो देख रहे हैं। फिलहाल अलशान के पास एक मूव है अपने रुक को इस क्वीन पर अटैक लगाने का, बहुत बेटर मूव हो सकता था, लेकिन बिशप टेक्स B7 पहले इस पॉन को एलिमिनेट किया गया, क्योंकि एक खतरा और भी है ना इस पॉन को आगे पुश होने का, वो ज्यादा डेंजरस हो सकता था। खैर, व्हाटएवर इट इज,
रुक गया B8 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, लेकिन अभी यहाँ व्हाइट टाइम ने बिशप को ना बचाकर रुक को E5 स्क्वायर पर ले जाकर पहले वैसली सो के स्क्वायर पर अटैक बनाया, तो क्वीन गई A7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स जिस मूव के बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये साइलेंट मूव है, अभी व्हाइट को कोई फिक्र नहीं है क्योंकि D6 पॉन सॉरी D3 पॉन इस पॉन को ब्लैक के पॉन को आगे पुश नहीं होने देने वाला, तो डिस्कवर्ड चेक जैसी कोई चीज अभी फिलहाल आने नहीं वाली। लेकिन बिशप E4 खेल पहले, व्हाइट को अपने बिशप को ही बचाना है, लेकिन बिशप B7, अब यहाँ गेम प्लान बहुत हद तक फ्रेंड्स क्लियर होने लगा है। और वैसे क्या यहाँ ये यू कैन से दैट अभी तो खैर नहीं पेन हो सकता, बिशप खतरे में आ सकता है उससे F5। फ्रेंड्स F5 के बाद ये मैं कहूंगा कि व्हाइट का ब्रिलियंट मूव है, सिंपली बिकॉज E टेक्स F5 हुआ। और व्हाइट का क्या इंटेंशन है, पहले तो खैर बिशप पर अटैक, बिशप बचाना पड़ेगा, लेकिन व्हाइट की गेम प्लान यही है कि वो अपने क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाकर, अपने इस रुक को E7 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाए और उसके बाद यहाँ इस वीक कर दे इस F7 पॉन को, क्वीन की एंट्री बहुत जबरदस्त यहाँ हो सकती है। और मेरे ख्याल से जब मैं ऑप्शन से कंसिडर करता हूँ, बिशप टेक C5 एक ऑप्शन है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप टेक C4, डी टेक C4, देन D3 चेक, और ये डिस्कवर्ड चेक के साथ साथ यहाँ ये पॉन आप देख सकते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि D6 पॉन थोड़ा वीक हो चुका होगा, तो ये जो रुके D6 स्क्वायर पर सॉरी रुके E7 स्क्वायर पर आने की प्लानिंग है वो यहाँ खराब हो सकती है। C5 अगर हो भी गया देन रुक टेक नो यूज, क्योंकि यहाँ पॉन पिन हो चुका होगा। चल पर चलिए फ्रेंड्स गेम को देखते हैं। गेम में एक्चुअली एक और मूव मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाइट अगर यहाँ अपने बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाए तो क्या होगा, ये मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। अगर व्हाइट यहाँ बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाए तो बिशप टेक C4 होगा भी, देन बिशप टेक C4 हो जाएगा, और ना तो यहाँ भी ये D1 आगे पुश हो सकता है इन फ्यूचर, और ऊपर से यहाँ इस F7 पॉन पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक लगनेगा गेम के अंदर। चलते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ सारी ऑप्शंस को नजरअंदाज करते हुए अलशान ने बहुत अटैकिंग गेम खेला, उन्होंने यहाँ किया क्वीन F4, और क्वीन F4 होने के बाद फ्रेंड्स ये रुक टेक्स D6 की ऑप्शन, खैर अभी तो नाइट है ना, लेकिन बिशप टेक्स नाइट देन रुक टेक्स D6, लेकिन उस ऑप्शंस को भी यहाँ बंद कर दिया पहली बात। दूसरी बात यहाँ ये F5 पॉन तो बोर्ड से ऑफ होने ही वाला है, और इस F7 पॉन को बहुत ज्यादा वीक कर चुके हैं अभी तक अलशान। लेकिन जैसे अगर मैं यहां से बात करूं कि क्या F takes E4 यहां पर इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर ब्लैक कर सकता है, नहीं, क्योंकि रुक E7 स्क्वायर पर आएगा। मानता हूं कि ब्लैक इस सिचुएशन को मैनेज कर लेगा, वो यहां इस पॉन पर अटैक बनेगा काफी स्ट्रांग। अगर यहां से हम इस गेम को थोड़ा भी आगे बढ़ाएंगे तो यहां आप कह सकते हैं कि लेना पड़ेगा इस रुक को, क्वीन टेक्स E7 करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा इलाज है नहीं। D takes E7 होगा देन रुक जाएगा E8 स्क्वायर पर, और उसके बाद क्या किया जाए, क्वीन टेक C4 मूव। आई थिंक दो रुक के सामने क्वीन और बिशप के सामने नाइट, खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि वाइट बहुत बड़ी लीड में होगा, लेकिन मूव काफी इंटरेस्टिंग है। खैर यहाँ हुआ था बिशप टेक C4 बेटर है, अगर वेस्ली सो वाइट के बिशप को लेते तो प्रॉब्लम में रहते। बिशप टेक्स C5 और डायरेक्टली यू कैन से दैट नाउ चेकमेट की तरह टेक चेक आएगी, H7 स्क्वायर से किंग जाएगा F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H8 चेक एंड दैट्स मेट। तो G6 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, और अब यहाँ व्हाइट का गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ एक चेकमेटिंग सीक्वेंस तैयार होने वाला है। यू कैन से दैट क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, और यहाँ आप अपने उस चेकमेटिंग सीक्वेंस को तैयार रखें क्योंकि बिशप का डिफेंस है, हालांकि बिशप अभी पॉन के ऊपर है, लेकिन यहाँ ये पहले क्वीन पर अटैक बन सकता है, ब्लैक बना सकता है। D takes C4 हुआ, देन सबसे पहले रुक टेक D6, क्वीन पर अटैक। फ्रेंड्स अगर आप मटेरियल काउंट करें तो यहाँ एक्सचेंज अप के साथ ब्लैक खेल रहा है क्वीन F4। फ्रेंड्स एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो क्वीन F4 की ऑप्शन अच्छी नहीं है, यहाँ क्वीन F2 की ऑप्शन सीरियसली व्हाइट को कंसिडर करनी चाहिए थी, सिंपली बिकॉज ये डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शन आ रही है। लेकिन जैसे ही अलशान ने क्वीन को F4 स्क्वायर पर प्लेस किया देन D3 चेक होने के बाद लगा कि चलिए ऑल इज वेल, मैनेज हो जाएगा, यहाँ C5 कर दिया कि ठीक है आप अपनी खुद की क्वीन बचाओ। ये प्रोवोकिंग मूव मैं कह सकता हूँ अलशान ने यहाँ किया। फाइनल मूव था वैसली सो का D2, और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद अलशान मुरादी ने रिजाइन कर दिया, मुरादियाबादी एग्जैक्टली ने रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन की वजह समझने की कोशिश करिए। यहाँ से दो ऑप्शन है मेरे ख्याल से वाइट के पास, पहली ऑप्शन है क्वीन टेक्स D2 की, ये पहले चलिए ठीक है क्वीन फॉर क्वीन, रुक टेक्स D2 होगा देन C टेक्स B6 हो जाएगा, ठीक है रुक टेक्स B6 भी तो होगा। अब देखते हैं कैलकुलेट करते हैं रुक बिशप रुक डबल रुक, एक एडवांटेज यहाँ पहले ही ऑलरेडी मैं कह सकता हूं कि ब्लैक को मिल चुका है, तीन पॉन है, इनफैक्ट चार पॉन है, तीन पॉन नहीं चार पॉन है, और चार पॉन ही यहाँ पर
वाइट के पास है, लेकिन ये जो रूक्स सेवेंथ रैंक सेकंड रैंक पर पहुंचने वाले हैं ये तो बुरा हाल कर देंगे वाइट का, और ऊपर से अगले मूव में कह सकता हूँ कि चेकमेट ही थ्रेट का सीक्वेंस भी बन सकता है, तो बहुत डेंजरस होगा। चलिए दूसरी ऑप्शन को कंसिडर करते हैं। दूसरी ऑप्शन है कि सी टेक्स बी सिक्स कर ले, ठीक है, पहले क्वीन एलिमिनेट कर लो, डी वन इक्वल्स क्वीन प्रमोट हो जाएगी, और ऐसे क्या होगा कि ब्लैक का यहाँ पॉन खत्म हो चुका होगा, क्योंकि क्वीन यहाँ बी सिक्स स्क्वायर से शिफ्ट होकर सीधा डी वन स्क्वायर पर प्रकट हो गई। यू कैन से दैट किंग जाएगा जी टू स्क्वायर पर, देन रुक डी टू चेक होगा, किंग एच थ्री स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स बी सिक्स होगा। अब मेटल का एक्सचेंज, मेटल काउंट करते हैं, सारा लगभग वही सारा सीक्वेंस आ रहा है जो भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इस सी फाइव मूव के बाद कोई ज्यादा खास बचा नहीं था, क्रिएटिव मूव था, लेकिन डी टू करते ही मेरे ख्याल से वेसलिसो का मैं कह सकता हूँ कि ब्रिलियंट हुआ। तो फ्रेंड्स वैसे यूएस चेस चैंपियनशिप में वेसलिसो आई थिंक क्लियरली विनर होंगे, मैं बता रहा हूँ नाइन्थ राउंड की मैं गेम देख चुका हूँ, लेकिन मैं मुझे नहीं पता वो क्लियरली विनर डिक्लेयर हुए या नहीं हुए, शायद एक या दो गेम बच रही होंगी वहाँ पर। फ्रेंड जो भी है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।